एक दिन ऐसा हुई कि जब यीशु मंदिर में लोग जना कान सीख देता होया सूखी खबर सुना रचा तो प्रधान याचका और अयोध्या का निम सखा बाड़ा और बड़ा बूढ़ा यहूदी नेता वहाँ का गोड़ा आर खड़ा होया और वो यीशु से बुझ बा लाग गया कम वक्त बताओ ता ये कमाने को का अधिकार सुकर छे और यो अधिकार थक ते खून दियो छे। यीशु ने वाक ते जवाब दियो कम मु भी ता से एक बात बुझु छु ता मार ते बताओ यौना कान 32 में देबा को अधिकार परमेश्वर से मिलियो छे या मन क्या से मिलियो छे। वो यीशु की ई बात न सुनर आपस में बतड़ाबा लाग गया अगर अपन कहवा उन्हें बपतिस्मा देवा को अधिकार परमेश्वर से मिलो छे तो यीशु अपन से कहूगा तो तन कशा हो की खबर पर विश्वास कौन करियो। अगर अपन यह कहवा उन्हें बपतिस्मा देवा को अधिकार मन क्या से मिलो छे तो संदा लोग दणी अपन पर बाटा पाकागा कह कशा संदा लोग दणी योहना ने परमेश्वर गाड़ी से बोल पड़ा माने छा। तो वाना यीशु कान जवाब दियो मां काहे भी कौन जाना कई योहना कान 32 देवा को अधिकार कटिसु मिलो छो। यीशु ने वा की या बात सुनर वासु की मु भी तांग ताई कोन बताऊं कमु को का अधिकार से ये काम करू छु। फिर यीशु हे दास्तान के द्वारा लोग दणा कान बाता बताबा लाग गया क एक दफा एक मनक ने अंगूर को बाग लगायो फिर वो उ अंगूर का बाग ने कोई काश्तकार कान ठेका में देर घना दन ताई घूमबा कान दूर प्रदेश में खट गयो। जब अंगूर का फल पागवा की टर्म आई तो उन्हें अपना नौकरा मसू एक नौकर व कास्तकारा गोडे खंदायो कि वो अंगूर का बाग में कोई फल को इस उंग ताई दे देव पर कास्तकारा ने वो नौकर कूट्यो और रीता हाथा सू उनका मालिक का गोड्या पाचो खंदा दियो। फिर वो मालिक ने एक और नौकर वहाँ गोड्या खंदायो पर वहाँ ने वो नौकर भी कूट गालियो और उनकी बड़ी तरह से बेइज्जती करी और वो भी रीता हाथा सू पाचो खंदा दियो। फिर वो मालिक ने तीसरा नौकर और खंदायो वो भी वहाँ घायल करर बारह खाड़ दियो। फिर अंगूर का बाग का मालिक ने अपना मन में सोची अबान मु काय करूँ मु अपना लाडला बेटा न वहाँ बोटे खंदाऊँ हो सक छ वो उनको आदर कर। पण जद वो कास्तकारा ने वो आतो देखियो तो वो आपस में खबर लग गया कि वो आ रो छ जे ई अंगूर का बाग को हकदार छ आओ अपन उन्हें मार गाला तो संधि जायदाद आपनी हो जाओगी। और वहां वो अंगूर का बाग का बार खाड़ मार गालियो ई लेख वो अंगूर का बाग को मालिक वो कास्तकारा को काई करोगो वो आर वो कास्तकारा को नाश करोगो और वो अंगूर का बाग न दूसरा कास्तकारा का ताई सुपा देओगो। या सुनर वाने की परमेश्वर ऐसा कौन करा यीशु ने वहाँ का आड़ी दे कर की तो फिर पवित्र शास्त्र में यह मंडरी छे इको मतलब काई छे को कारीगरा ने जे बाटो बेकार समझ फका दियो छो उई खूनिया को कास बाटो हो गयो। और जे कोई उ बाटा पर गरोगो उ चूर चूर हो जाओगो और जे पर उ बाटो गरोगो उ उन्हें पीस गालोगो। और जब यवद्या का नीम सका बाड़ा और प्रधान याचका ने यह दास्तान सुनी वो भगत में वो वान पकड़बो छावचा कह कश्या वो समझ गया कि वो खराब कास्तगारा और कारीगरा ने जे बाटो बेकार समझर फका दियो। ये सारी बाता यीशु ने अपना विरोध में खींच पर वो भीड़ सुडरप गया। फिर वह ही मौका की बाट नाल रचा ही लेकर वान जासूसी करबाड़ा धर्मी मनक्या का बेस मखंदाया वान ई बात की कोशिश करी कि यीशु सु असी बाता खुआई जाव जिसे वान राजपाल का हाथा में हर अधिकार में सुपा देव। और वान यीशु सु या बुझी हे गदजी मां जाना था कथा साची खोच और सकाव भी छ अर्था कोई का मन का बच्चा के ऊपर फदवा कोन करे कर कस्या ता मन क्या का मुंडा देखकर बाता कोन करे पर जे जे बाता परमेश्वर आपन सुछाव छ वो बाता न मन क्या ताई सकाव छ। माने बताओ
कि रोम देश में राज करबाड़ा महाराजा काल कर देव बढ़िया छ या कोना। यीशु ने वहाँ को कपट जानर वासु की था खामी मन फरक छ मारता है रोम देश को एक सिक्को दिखाओ। अरे यीशु ने वासु बुझी कई सिक्का में खूको फोटो और नाव छ तो वाने जवाब दियो रोम देश में राज करबाड़ा महाराजा को छ। यीशु ने वासु की तो जे महाराजा को छ उन्हें महाराजा के ताई दियो और जे परमेश्वर को छ उन्हें परमेश्वर के ताई दियो। वह लोगा का सामने ही बात में वान पकड़ को न सक्या पर वह यीशु का जवाब सु अचंबो कर छाना मुना रह गया।